ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के विघटन को तेज करने के लिए कलि पुरुष का निर्माण किया। कलि पुरुष में मौजूद लाल चिप ब्रह्मा जी की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का रूप है। यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी द्वारा उनकी रचना के समय लाल चिप को उनके अंदर डाला गया था। यह हिंदू धर्म में वर्तमान समय के चार युगों की शुरुआत से ही उनमें मौजूद है, जिसे कल्प के रूप में माना जा सकता है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान विष पी रहे थे तो विष की कुछ बूंदें कलि पुरुष के शरीर पर गिर गई, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया। यह भी उसमें नकारात्मक की उपस्थिति का एक कारण हो सकता है। तत्पश्चात देवों और असुरों के बीच अमृत कलश को छीनने के लिए लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष के ऊपर गिर गई, जिसके कारण वो अमर हो गया। लेकिन यह अमरता केवल उनके आध्यात्मिक रूप में ही था, न कि उनके भौतिक रूप में। ऐसा कहा जाता है कि पहले तीन युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान वह गुप्त रूप में रहे, लेकिन द्वापर युग में कृष्ण की मृत्यु के बाद वह अपने स्थान से बाहर आ गया और उनका एक ही मकसद था कि मैं दुनिया पर राज करना चाहता हूँ क्योंकि पूरा कलयुग मेरा है। ऐसा कहा जाता है कि वह दुनिया में जितना अधिक अधर्म और पाप फैलाएगा उतना ही अधिक वह अपना भौतिक रूप वापस पाने में सक्षम होगा। यही कारण है कि वह दुनिया में अधर्म और पाप फैला रहा है ताकि वह अपना पूर्ण भौतिक रूप वापस ले सके और शासन करने में सक्षम हो सके। ब्रह्मा जी की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में कलि पुरुष में मौजूद लाल चिप के कारण वह समाज में नकारात्मक सोच वाले लोगों का निर्माण कर रहा है। वह कल के अवतार के खिलाफ उनके दिमागों में बहुत हद तक हेरफेर कर रहा है। उनके दिमाग में कल के अवतार के खिलाफ नकारात्मकता भर रहा है और उन्हें अपने कुल में फंसा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में कल्कि अवतार के विरुद्ध जो नकारात्मकता रूपी लाल चिप है, उसके कारण उन्होंने कल्कि अवतार के विरुद्ध नकारात्मक गुणों वाले नकारात्मक सोच वाले लोग का एक समूह बना लिया है। जैसे गुस्सा, घृणा, हिंसा, शत्रुता, ईर्ष्या, डाह करना, नकारात्मकता, लालच। वर्तमान में नकारात्मक सोच वाले कलि पुरुष अपने सभी नकारात्मक गुणों के साथ कल्कि अवतार के खिलाफ काम कर रहा है और उसके नकारात्मक सोच वाले कबीले अपने सभी नकारात्मक गुणों के साथ कल्कि अवतार के खिलाफ काम कर रहा है। वे हर दिन उनके साथ दिमागी खेल खेल रहा है और अराजकता और विनाश कर रहा है ताकि कल्कि अवतार का जीवन बर्बाद हो जाए और कलि पुरुष का राजा बनने का इरादा पूरा हो जाए। हालांकि इसका मतलब सभी राक्षसों का राजा बनना है और जो अपने आप में बहुत ही नकारात्मक और गलत गुण है, यह दूसरी और बड़ी समस्या है जो अभी कल्कि अवतार बनाम कलि पुरुष की कहानी में मौजूद है। जिस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान होता है, उसी प्रकार उपयुक्त दोनों समस्याओं का भी समाधान अवश्य होना चाहिए। तो फिर उपयुक्त दो समस्याओं का समाधान क्या है? हिंदी फिल्म रोबोट में दिखाया गया है कि वशीकरण एक रोबोट बनाता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अन्य वैज्ञानिक द्वारा रोबोट में एक लाल चिप डाल दिया जाता है। लाल चिप के कारण रोबोट अब भ्रष्ट और दुष्ट बनने के लिए प्रोग्राम किया है। लाल चिप में 100 रोबोट की विनाशकारी शक्ति देती है। लाल चिप की शक्ति का उपयोग करके रोबोट अपनी रोबोट सेना बनाता है, एयर पर कब्जा करता है और शहर में तबाही मचाता है। रोबोट को बाद में वशीकरण द्वारा उनकी रोबोट सेना को नष्ट करने के बाद पकड़ लिया जाता है। वह रोबोट में लगी लाल चिप को हटा देता है, जिससे वह शांत हो जाता है। अंत में मानवता को भविष्य में इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए रोबोट को नष्ट करने की आवश्यकता होगी। रोबोट फिल्म के उदाहरण से यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि सभी समस्याओं का समाधान यह है कि रोबोट में मौजूद लाल चिप को हटा दिया जाए और यदि संभव हो तो उसे सकारात्मक गुण डालकर उसे सकारात्मक तरीके से पुनः प्रोग्राम किया जाए ताकि वह मानवता के लिए उपयोगी बन सके। अब वर्तमान में यही स्थिति अभी भी मौजूद है। वर्तमान में कलि पुरुष राजा बनना चाहता है, हालांकि इसका मतलब है कि वह सभी राक्षसों का राजा बन जाएगा और शासन करने में सक्षम होगा। इसीलिए वर्तमान में कलि पुरुष में मौजूद लाल चिप उसकी सत्ता के लिए अत्यंत नकारात्मक और गलत लालच के रूप में है।
यही कारण है कि वो अपने कबीले के नकारात्मक गुणों वाले नकारात्मक सोच वाले लोगों को कल्कि अवतार के खिलाफ दिमागी खेल खेलने और कल्कि अवतार के साथ अराजकता और विनाश करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि वह कल्कि अवतार के जीवन को बर्बाद कर सके और सभी राक्षसों का राजा बन सके और शासन करने में सक्षम हो सके। अब प्रश्न यह है कि सभी राक्षसों का राजा बनने और शासन करने में सक्षम होने की शक्ति के लिए अत्यंत नकारात्मक और गलत लालच रूपी लालचिप को हटाने के लिए समाधान कैसे लागू किया जाए। विश्व का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति की सत्ता की लालच को दूर करना अत्यंत कठिन है, किंतु हरि नाम के कीर्तन से यह अब दूर किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।